मंडल के कानून व्यवस्था की बैठक एडीजी जोन अखिल कुमार और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें गोरखपुर मंडल की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि सभी कप्तान अपने अपने जनपदों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भ्रमणशील रहते हुए अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को सकुशल संपन्न कराएं और मंडल के सभी शस्त्र लाइसेंसों को थानों के मालखाने व शस्त्र की दुकानों पर जमा कराएं, जिससे चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा सके। आईजी रेंज राजेश जी मोदक ने कहा कि पंचायत चुनाव में कहीं किसी तरह का विवाद ना होने पाए, इसलिए पुलिस सतर्क रहे। सभी ग्राम पंचायतों में पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए विवाद आदि के ब्यौरों को पुलिस जुटाकर अपराधी किस्म के व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा नहीं की है, इसके बावजूद गाँव में राजनीति तेजी पकड़नी शुरू कर दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण भी किया जा चुका है, चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, डीआईजी, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी सहित मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ और एसपी मौजूद रहे। की तुलना करते हैं तो सबसे पहली चीज तो है सर, एक डकैती की जो 3 केस गोरखपुर में हुए हैं वो जो लेटेस्ट हैं, और फिर भी ये डकैती की जो 3 भेदन वगैरह का, तो अगर हम पिछले कई सारे जितने भी हीनियस क्राइम्स को देखते हैं तो लगभग पिछले सालों की तुलना में पैरेलल ही लगभग क्राइम की। और इसके अलावा बलवा की संख्या अगर हम देखते हैं 2019 से, तो ये संख्या काफी कम हुई है एकदम केवल। तो ऐसे बोल हम यही कह सकते हैं कि इस जनवरी 2021 की तुलना करते हुए 2000 क्राइम की जो है ग्राफ जो है बराबर समानता ही है। परंतु अच्छा बीच में ये आवाज साइड इस माइक अच्छा फिर से ऑन होगी। विरोधात्मक कार्रवाई में पिछले से उसमें ये है कि जितने भी असला हैं उनको मैक्सिमम रूप से जो है जमा करने के निर्देश हैं, परंतु अभी भी कई बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ कि इस हमारे फरवरी मार्च, क्योंकि जब चुनाव की संभावना अप्रैल मई में संभावित है,